अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज सैयद बासित अलीब और आज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि लोग मुनाफ़िकत की किस हद तक गुजर जाते हैं, कहाँ तक मुनाफ़िकत के अपनी लाइफ होते हुए वो दूसरों की लाइफ में कीड़ा करने का सोचते हैं कि यार दूसरे मतलब टाइम नहीं है तुम लोगों के पास, अपने काम करो, छोड़ो कि किसी की लाइफ में क्यों इंटरफेयर करते हो। जैसा भी एक मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, जो इस पे लोग मतलब ये देखें कि इस्लाम का एजेंडा पाकिस्तान बना ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, इस पे तुम्हारे ड्रामे नहीं चल सकते, नो नेवर हो ही नहीं सकते, तुम ड्रामे नहीं कर सकती ये औरतें, क्योंकि ये वेस्टर्न मुल्क नहीं है, ये ड्रामे वेस्टर्न में होते हैं। आप जाएं बाहर वेस्टर्न में, जितने ड्रामे करें पाकिस्तान से निकल जाएं, क्योंकि ये ला इल्ला पे बना यहाँ इस्लाम में ही काम होंगे। और इन मुनाफिकों को ज़रा मैं पहले ये देखें, मैं जानता हूँ इनको, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये देखें, मुझे एक कॉल आई थी, पहले ये सुन लें आप। वालेकुम सलाम बासित भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक है सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक बेहतरीन। और बासित भाई सब ठीक जा रहा है? जी आपकी जवाब बिल्कुल बिल्कुल जवाब की जवाब। अच्छा बासित भाई, ये काम है छोटा सा आपसे। दीदी ये खलील उर रहमान कमल साहब की ना मिमिक्री करती हैं आपने? हाँ हाँ खलील साहब जी 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 अच्छा अच्छा, तो मामला आपने समझ लिया? नहीं, मैं आपको स्क्रिप्ट भेज दूंगा अभी थोड़ी देर तक, ठीक है? वीडियो बना के भेजनी है आपको? नहीं नहीं नहीं, ऑडियो ऑडियो, लड़की कॉल करेगी आपको तो आपने उस स्क्रिप्ट के मुताबिक बस कर देना है। जैसे पहले आप भरपूर तरीके से अपना काम, नहीं नहीं ऑडियो क्यों भेजनी है सर? अपना ऑडियो यार आप छोड़ें, आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिएगा, उसमें आप देख लीजिएगा क्या करना है। पेमेंट आपको मिल जाएगी 50,000 में, आपको जा देता हूँ अभी अभी आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन करवा देता हूँ। और बाकी आपको ऑडियो किस चीज के कॉन्टेंट है, कॉमेडी है या कुछ शो के लिए या क्या है, मुझे बताएं जरा। बसिफ भाई कॉमेडी के लिए तो आपको मैं 50,000 एडवांस और 30,000 बाद में नहीं दूंगा ना, तो वो बस आपने देख लेना और उसके मुताबिक आपने कर देना है। स्क्रिप्ट में आपको भिजवा देता हूँ अभी, तो ये जरा बस बात जो है ना आपस में रखनी है कॉन्फिडेंशियल। सारा कुछ वो लड़की कॉल करेगी आपको और आपने उसके मुताबिक स्क्रिप्ट के मुताबिक मिमिक्री करनी है। अच्छा, तो ये हल्की सी जरा मिमिक्री करके भी दिखा दें थोड़ी सी ना आपकी सिलाई को, तो बोलते हो हमें पूरा भरोसा। मिमिक्री तो मैं करता हूँ, अब ये कि मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ वो ये, और देखिए मैं बिल्कुल अच्छा मतलब ये मैं आवाज़ बना लेता हूँ, वो मसला नहीं, लेकिन मुझे आप बताएं ऑडियो ऐसा तो नहीं है मतलब आपने ना सिर्फ आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने। बाकी बाकी आपको मैं स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, आप स्क्रिप्ट भेजें, मैं देखता हूँ फिर मैं बनाऊंगा नहीं तो वो मैं आपको देखे स्क्रिप्ट आप भेजें, ठीक है? चले मैं आपको भी कह दूंगा। ओके ब्रदर, बहुत शुक्रिया बासित भाई, अब ये वीडियो आपने देखी, ऑडियो सॉरी, मतलब मुझे ऑफर हो रही है कि ऑडियो कॉल करूं मैं लड़की के साथ बन के खलील उर रहमान साहब के ख़िलाफ़। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये नहीं होगा, ये हरकतें जो आपने की हुई हैं कि मतलब खलील उर रहमान साहब को किसी तरह फ्लॉप किया जाए, उनकी एक इज़्ज़त रब में बढ़ गई है तो उनको फ्लॉप किया जाए, ये खलील उर रहमान की एग्जांपल नहीं है, ये हर बंदे के लिए, मतलब आप किसी की लाइफ में क्यों आते हो, इंटरफेयर करते हो। अब इसमें खलील उर रहमान साहब एक एजेंडे पर चलें, पूरा पाकिस्तान जानता है वो किस एजेंडे पे चले, एक मतलब इस्लामिक एजेंडे पे, हम इस्लामी बल्कि बड़े बड़े उलमा कह रहे हैं कि हमारा हक तो इन्होंने अदा किया है, और इसके खिलाफ अब पर्सनल लाइफ में जा रहे हो कि पर्सनल लाइफ से किसी तरह इनको तबाह किया जाए। लेकिन ये पाकिस्तानी कभी भी खिलाफ नहीं होंगे, ये पाकिस्तानी जो है वो रियल का साथ देते हैं। मुनाफ़िकों की ऐसी की तैसी, कोई मुनाफ़िकत की आपने नहीं सुननी, आपने किसी की नहीं सुननी, ये सब फ्रॉड है, आपने हक का साथ देना है। ये अब ऐसे ऐसे एजेंडे करेंगे, आपको पता है इनके पीछे इंटरनेशनल ताकतें हैं, ये कुछ भी एजेंडे कर सकते हैं, ये बहुत, लेकिन आप सच्चे पाकिस्तानी हैं, आपने इनका हर एजेंडा फ्लॉप करना है, हर एजेंडा, ये कुछ भी एजेंडा कर सकते हैं, ये बड़े मैं क्या कहूँ, हक कैसे लोग हैं, और अल्लाह माफ़ करें, इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म, ये क्या मुझसे कर, मुझे कह रहे हैं ऑडियो रिकॉर्ड में उनके खिलाफ है, जो मैंने कहा वाह, या तो मुझे फंसा रहे हैं या उनको फंसा रहे हैं, मतलब या मेरी लाइफ मुझे जीने दो, मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, मेरी कॉमेडी देखते हैं, बस वो अच्छे हैं, जो ख़िलाफ़ करना चाहते हैं इनसे मुझे कोई परवाह नहीं है।
ठीक है, तुम करो जितनी मुनाफ़त करते हो करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और खलील रहमान साहब जो एक अच्छे एजेंडे पे चल रहे हैं और जिन्होंने इस टाइम मौलवियों से ज़्यादा आके डिफेंड किया है, मतलब मौलवी कह रही हैं, हमारे इस्लाम के लोग कह रहे हैं कि यार वेरी गुड, वरना ये तो वेस्टर्न कल्चर, पाकिस्तान का मतलब है ला इला, इसमें ये ड्रामे नहीं चल सकते। जितनी मुनाफ़त करोगे ये लोग आपके खिलाफ जाएंगे, जहाँ जहाँ ऐसी मुनाफ़त नजर आए उनको गालियाँ दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।